लोग जो भी बात करते हैं वो उनकी राजनीति का मैटर है, कोई बात नहीं। मैं एक गौरक्षक हूँ, मुझे राजनीति से मतलब नहीं, किसी से पार्टी से मतलब है। मेरा काम गौरक्षा का, इसलिए मैं ओनली गौरक्षा की बात करूंगा। कि मित्रों, सैनिक की पहचान उनके शस्त्रों से होती है, सैनिक की पहचान उनके शस्त्रों से होती है, नारी की पहचान उनके वस्त्रों से होती है। और बाहरी आडंबर और दिखावे का कोई मूल्य नहीं मित्रों, मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से होती है। कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका कार्य कैसा है, उससे उसकी पहचान होती है। जैसे आज तार सिंह ने इसी पर लोगों को इकट्ठा करा है, इतने लोगों को इकट्ठा करा है, दिन रात मेहनत करते हैं, ये उनकी पहचान है। साजन भाई ने, महेंद्र जी ने, प्रोफेसर साहब ने, जिसने भी इस देश धर्म के लिए जो योगदान दिया, ये उनकी पहचान है। मगर दुर्भाग्य इस देश का कि आज इस देश के अंदर गौ माता के नाम पर राजनीति हो रही है। आपने कहा सैन रखो, कान पर हाथ मत लो, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं मित्रों, कि इस देश के अंदर हम कानून तब मानेंगे जब इस देश के अंदर गौ माता के लिए कोई कानून हो। इस देश के अंदर जब कोई गौ माता के लिए कोई कानून होगा, हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून को मानेंगे, बिल्कुल हाथ में नहीं लेंगे। मगर हमारी मां के लिए कोई कानून हो इस देश के अंदर, सबसे पहली बात यह है। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि जब से देश आजाद हुआ, तब से जो भी सरकारें आई गई, गौ माता के लिए लोग न्याय मांगते रहे। कभी संसद के अंदर घमासान, तो कभी बाहर घमासान, किसी ने गोलियां चलाई, किसी को मारा, तो कभी संसद के अंदर गौ मांस खाने की बात करता है, तो बाहर गौ मांस बेचने की बात करता है। यानी किसी देश के अंदर गौ माता के नाम पर प्रतिदिन राजनीति हो रही है। भगवान को आतंकवादी बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो भगवान को आतंकवादी कहते हैं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में घूमो। आप दो जने साथ में जाओ, एक भगवा बांध के जाओ और एक टोपी पहन के जाओ, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी नजर से देखता है। भगवान को सम्मान की नजर से देखेगा। और मैं तो बाहर विदेशों में ऐसे ऐसे देश है जहां पर भगवानधारी साधु संत के लिए स्पेशल सीट बुकिंग रहती है, रिजर्वेशन हमेशा के लिए, और उन टोपियों को अंदर घुसने नहीं देते हैं। दुर्भाग्य की बात मित्रों, किस देश का पूर्व उपराष्ट्रपति एक बयान देता है, किस देश के अंदर बीजेपी की सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये शांतिप्रिय लोग हैं जो कश्मीर के अंदर सैनिकों के ऊपर पत्थर मारते हैं, जो हमारे मंदिरों पे हमले कर देते हैं, जो हमारे कावड़ यात्रियों पे हमला कर देते हैं, जो अमरनाथ यात्रियों पे पत्थरबाजी करते हैं, हमला कर देते हैं, जो हमारी बहन को उठा के लौजियात कर देते हैं, उठा के ले जाते हैं, जो हमारी मां को सरेआम सड़कों पे काट देते हैं, वो शांतिप्रिय लोग हैं और देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। अरे दोगले गद्दार, तुझे उपराष्ट्रपति बना के सबसे बड़ी गलती करी हम लोगों ने। तू तो इस देश में हम हिंदुओं को जूते साफ करने के लायक भी नहीं है अमीर अंसारी। मगर उन लोगों का तो देश से कोई मतलब नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, देश धर्म से कोई मतलब नहीं है, सबने अपने अपनी राजनीति के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं। मगर अब इस देश की खुशी के ऊपर, जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं, जिनके इलेक्शन में मैंने भी बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके सभी गौरक्षकों ने दिल्ली में रैलियां निकालकर उनका प्रचार किया। एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक सेवक दिल्ली की सीट पर बैठा है, दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है, हमें उनसे उनमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और इस देश के अंदर धर्म और देश की रक्षा करेंगे तो यह बात सत्य है कि मोदी जी करेंगे, इस बात को मैं नकार नहीं सकता। परंतु एक बात मेरी भी है, एक विषय मेरा भी है, एक उंगली मैं भी उठाऊंगा। उस समय मैं जेल में था और आज बाहर हूं,
ऐसे बयान ना दो ताकि हमें तकलीफ ना हो। 11 महीने की जेल बहुत मुश्किल से काटी मैंने सिर्फ उस बयान के वजह से, वरना जेल के अंदर तो बहुत समाचार मचा कर रखा था। जेलों के अंदर गौ कथा, गणपति विसर्जन, गणपति को बिठा दिया, नवरात्रि डांडे खिलवा दिया, होली जला दी, दीपावली को फटाखे फटवा दिए किसी जेलों में, सब कुछ करा जेल में जो बाहर होता है वो। परंतु जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया मुझे काफी तकलीफ हुई। इसलिए यहाँ पर बीजेपी के कॉर्पोरेट साहब बैठे हैं, आप पूरा मत मानना, मैं जो मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ, क्योंकि मुझे राजनीति में कोई लगाव नहीं है, मेरा लक्ष्य राजनीति नहीं है, मैं राजनीति में जीवन भर नहीं जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मेरा काम गौ रक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद होना है, ये मेरा काम। परंतु एक बात और है मेरी, 1967 का आंदोलन भी किया, 1857 का आंदोलन भी किया, 28 फरवरी 2016 का आंदोलन भी किया, मगर अब आखिरी आंदोलन एक और हम करेंगे। और इसी मोदी जी की सरकार में हम जाएंगे दिल्ली न्याय मांगने 18 फरवरी 2018 को, 18 फरवरी 2018 को हम जाएंगे दिल्ली न्याय मांगने गौ माता को वोट देने के लिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपना जीवन का एक दिन निकाल कर आपको दिल्ली आना है। आप जिस दिन वोटिंग होती है एमएलए एमपी की, उस दिन आप अपना काम काज छोड़ के जाते हो, घंटों लाइन में लगते हो वोट देने के लिए। किस लिए जाते हो? कि आपको यकीन विश्वास है कि ये नहीं तो हमारा भला करेगा, आपने इनको वोट दिया, आपको विश्वास है कि ये हमारा कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए इनके वोट देने के लिए आपने अपना समय गवाया। आपको गौ माता